स्वच्छ भारत मिशन में भिलाई नगर को मिली उल्लेखनीय सफलता। ओडीएफ प्लस प्लस श्रेणी में मिला प्रदेश में पहला और देश में दूसरा स्थान। गरियाबंद में निर्वाचन कार्य में लापरवाही बरतने के आरोप में 13 कर्मचारियों पर कार्रवाई, 4 निलंबित और 9 कर्मचारियों की वेतन वृद्धि रोकी गई। लोकसभा चुनाव में जन घोषणा पत्र के बिंदु तय करने आज रायपुर में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की हुई बैठक। और बस्तर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक विवेकानंद सिन्हा ने कहा, इस वर्ष भी विश्वसनीय पुलिस, मजबूत पुलिस के उद्देश्य को लेकर किया जाएगा काम। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं गोपा सान्याल। अब समाचार विस्तार से। स्वच्छ भारत मिशन में भिलाई शहर ने देश भर में अपना परचम लहराया है। ओडीएफ प्लस प्लस श्रेणी में इस शहर ने देश में दूसरा और प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया है। भिलाई को यह उपलब्धि सार्वजनिक शौचालयों के बेहतर रखरखाव और सुविधा युक्त बनाए रखने के लिए मिला है। वहीं स्वच्छता ऐप डाउनलोड करने के मामले में भी भिलाई नगर निगम प्रदेश में अव्वल आया है। दोनों श्रेणियों को मिलाकर अब भिलाई शहर 7 स्टार की रेस में शामिल हो गया है। नगर निगम आयुक्त एस के सुंदरानी ने बताया कि भिलाई शहर के सभी सार्वजनिक शौचालय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हैं, जिसमें दिव्यांग और बच्चों के लिए विशेष सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं। भारत सरकार द्वारा ओडीएफ प्लस प्लस की एक कैटेगरी तय की गई है, जिसमें उन शहरों को ओडीएफ प्लस प्लस दिया जाना है जहाँ पे खुले से शौच मुक्त हो और जो मानव मल है उसका सही तरीके से निस्तारण हो और जो कम्युनिटी टॉयलेट और पब्लिक टॉयलेट का सही तरीके से रखरखाव हो। इसलिए भारत सरकार की एक टीम आई थी जिसने भिलाई में इन सभी व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त पाया। हमारे नगर निगम के जो कम्युनिटी टॉयलेट है, पब्लिक टॉयलेट है, इंटरनेशनल रैंक के हैं और उसमें बाकायदा म्यूजिक की व्यवस्था है, गर्म पानी की व्यवस्था है, सैनिटरी नैपकिन की व्यवस्था है, दिव्यांगों के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए विशेष व्यवस्था की गई है और उसमें कोई भी बड़े आसानी से कंफर्टेबल तरीके से उसमें उसका उपयोग कर सकता है। भिलाई शहर की आबादी के हिसाब से नगर निगम को 62,000 से अधिक शहरवासियों को स्वच्छता ऐप डाउनलोड करने का लक्ष्य दिया गया था, लेकिन शहर की 82,000 से अधिक जनता ने स्वच्छता में रुचि दिखाते हुए ये ऐप डाउनलोड किया। इस मामले में प्रदेश में दूसरे स्थान पर सरायपाली और तीसरे स्थान पर बागबाहरा है। गरियाबंद जिले में विधानसभा चुनाव के दौरान मतदान कार्य में लापरवाही बरतने के आरोप में 13 कर्मचारियों पर कार्रवाई की गई है। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश पर जिला निर्वाचन अधिकारी श्याम धावड़े ने इस मामले में 4 कर्मचारियों को निलंबित कर दिया है। वहीं 9 कर्मचारियों की 2 साल की वेतन वृद्धि रोकने के निर्देश दिए हैं। उप जिला निर्वाचन अधिकारी JR 84 ने बताया कि इनमें से 5 अधिकारियों पर ईवीएम और वीवीपैट के कमिश्निंग कार्य में लापरवाही बरतने और 8 कर्मचारियों पर मॉक पोल के वोट ईवीएम में डिलीट किए बिना मतदान शुरू करने के मामले में कार्रवाई की गई है। विधानसभा निर्वाचन 2018 के दौरान जो पीठासीन मतदान अधिकारी थे और हमारे जो कमिश्निंग अधिकारी थे जिसने लापरवाही पूर्ण कार्य किए, उनके विरुद्ध निर्वाचन आयोग ने 13 अधिकारी कर्मचारियों के विरुद्ध, जिसमें 8 लोगों के विरुद्ध है, 2 वार्षिक वेतन वृद्धि रोकने के लिए और 4 जो हमारे पीठासीन मतदान अधिकारी हैं उसको निलंबन के आदेश दिए। जो मशीन का सेटिंग होना चाहिए 1 नंबर पे, वो 2 नंबर पे हो गया था और उनके कवर केप जो होता है वो ढके नहीं थे। इस तरह कमिश्निंग कार्य में भी लापरवाही किए तो ऐसे 5 अधिकारियों का 2 वार्षिक वेतन वृद्धि रोके हैं और बाकी जो CRC नहीं किए हैं उनके 4 हैं, जो चोरभट्टी 161 विधानसभा क्षेत्र राजिम का और मिंद्रा नवागढ़ का एक मतदान केंद्र 119 है नागेश, वहाँ के मतदान अधिकारियों को निलंबन की कार्रवाई की है और इसमें निलंबन 4 हुए हैं और बाकी 8 लोग के 2 वार्षिक वेतन वृद्धि हुए है और ये सब कार्रवाई मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के आदेश पे हुई है। गौरतलब है कि राजिम विधानसभा के चरभट्टी
और बिंद्रा नवागढ़ विधानसभा क्षेत्र के नागेश गांव में मतदान होने के बाद पता चला कि संबंधित क्षेत्र में जितने मतदाता हैं उससे अधिक वोट डाले गए हैं। जांच के बाद ये बात सामने आई कि कर्मचारी ईवीएम में मॉक पोल के 50 वोटों को डिलीट करना ही भूल गए थे। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। जन घोषणा पत्र के बिंदु तय करने के लिए आज रायपुर में पार्टी के शीर्ष नेताओं की बैठक हुई। इस बैठक में छत्तीसगढ़ प्रभारी पीएल पुनिया, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, टीएस सिंहदेव, ताम्रध्वज साहू सहित कैबिनेट के अन्य मंत्री और वरिष्ठ पदाधिकारी शामिल हुए। बैठक में कांग्रेस के जन घोषणा पत्र में शामिल किए जाने वाले प्रमुख मुद्दों के अलावा चुनावी रणनीति पर मुख्य रूप से चर्चा हुई। इस दौरान पत्रकारों से चर्चा करते हुए मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि हर परिवार को एक घर देने का सपना कांग्रेस ने देखा है और वे चाहते हैं कि राइट टू हाउसिंग घोषणा पत्र का हिस्सा होना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस विधानसभा चुनाव में किसानों की कर्ज माफी एक बड़ा मुद्दा बना था, इसलिए राष्ट्रीय स्तर पर अन्य राज्यों के लिए इस कर्ज माफी को कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में शामिल कर सकती है। मुद्दे जो उस घोषणा पत्र में थे वो थे राइट टू हाउसिंग। आज हम घर देने की बात कर रहे हैं, 2025 तक घर का अधिकार देश के हर नागरिक को होगा। हम उसको कंसेप्ट को समझ भी नहीं पाए, शायद हम समझा भी नहीं पाए और आज भी वो पूरा नहीं हुआ है। तो ये एक मैं समझता हूँ कि घोषणा पत्र का हिस्सा होना चाहिए। राइट टू हेल्थ, राइट टू एजुकेशन, राइट टू वर्क, राइट टू इंफॉर्मेशन, बहुत सारे अधिकारों को हमने देखा, लेकिन स्वास्थ्य का अधिकार जो 2014 के कांग्रेस पार्टी के लोकसभा के घोषणा पत्र में था उसको भी मैं समझता हूँ कि लोग समझ नहीं पाए कि ये क्या कांग्रेस पार्टी कितनी क्रांतिकारी बात को सामने रख रही है। और ऐसे ही बातों को सामने लाकर मैं समझता हूँ कि देश का इस बार घोषणा पत्र तैयार किया जा रहा है, जिसमें सार्वजनिक तौर पे लोगों की भी भागीदारी होगी और उससे वो संदेश भी जाएगा कि हाँ, ये जो मुद्दे हैं ये केवल ऊपरी ऊपर से नहीं बने हैं, लोगों के सुझाव को लेके बनाया गया है, तो उसका असर कहीं ज्यादा। बैठक में छत्तीसगढ़ प्रभारी पीएल पुनिया ने सभी सदस्यों से आह्वान किया कि वे व्यापक रणनीति बनाकर लोकसभा चुनाव के लिए तैयारियां शुरू कर दें। बस्तर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक विवेकानंद सिन्हा ने कहा है कि वर्ष 2019 में भी विश्वसनीय पुलिस, मजबूत पुलिस के उद्देश्य को लेकर काम किया जाएगा ताकि लोगों का विश्वास पुलिस पर बना रहे। जगदलपुर में नववर्ष मिलन समारोह में उन्होंने पिछले साल बस्तर संभाग में हुई माओवादी घटनाओं के आंकड़े जारी कर पुलिस को मिली सफलताओं के बारे में जानकारी साझा की। श्री सिन्हा ने बताया कि पिछले साल माओवादियों के खिलाफ सुनियोजित ढंग से चलाए गए अभियान में अनेक महत्वपूर्ण सफलता मिली। इस दौरान नक्सलियों के खिलाफ विशेष अभियान चलाए गए, साथ ही 159 मुठभेड़ हुई जिसमें 112 माओवादियों के शव सुरक्षा बलों ने बरामद किए। वहीं सुरक्षा बलों के 53 जवान भी शहीद हो गए। उन्होंने कहा कि साल भी माओवादियों के खिलाफ विशेष अभियान जारी रहेगा। पुलिस के जानकारी में नहीं आने पर भी अगर गांव वाले बताते हैं, उसमें अपराध कायम करके फिर इन्वेस्टिगेशन करके और उसमें जो नक्सली पीड़ित को जो सहायता देने का प्रावधान है उसको हम सहायता दिलवाने का प्रयास करते हैं या सहायता दिलवाते हैं। तो बेसिकली जिसमें भी अपराध घटित हुआ है नक्सलियों के द्वारा, वो नक्सल पीड़ित की श्रेणी में आते हैं, उसको निश्चय ही सहायता राशि या सहयोग मिलेगा। अगर कोई ऐसा केस है उसका जानकारी आने पर निश्चय उसमें सहयोग उसमें दिलाया जाएगा। पुलिस महानिरीक्षक विवेकानंद सिन्हा ने कहा कि उनके विभाग की पूरी कोशिश रहेगी कि माओवादी कार्रवाई के दौरान मानव अधिकारों का पूरा ध्यान रखा जाए। उन्होंने कहा कि सभी पुलिस अधीक्षकों को सड़क हादसों में कमी लाने के निर्देश भी दिए गए हैं। और अब देखिए 3 मिनट 10 खबरें। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने अपने दुर्ग प्रवास के दौरान भिलाई इस्पात संयंत्र की कई यूनिट का अवलोकन किया। वे इस्पात बनाने के लिए उपयोग में आने वाले रासायनिक और वैज्ञानिक प्रक्रियाओं से रूबरू हुई। साथ ही राज्यपाल ने संयंत्र की सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी भी ली। राज्यपाल श्रीमती पटेल पंडित जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय भी पहुंची और विभिन्न वार्डों का अवलोकन किया।
रायपुर बिलासपुर फोरलेन के लिए ली गई जमीन का मुआवजा रोके जाने के मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने रायपुर एसडीएम के निज सचिव को निलंबित करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही 14 जनवरी को कार्रवाई की रिपोर्ट प्रस्तुत करने और दोनों ठेका कंपनियों रायपुर और बलौदा बाजार के कलेक्टर एसडीएम को उपस्थित रहने के निर्देश दिए हैं। पंचायत मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा है कि हर गांव की अधोसंरचना के अनुसार कार्य योजना तैयार कर बजट उपलब्ध कराया जाएगा। विभागीय समीक्षा बैठक में उन्होंने अधिकारियों को गांव की अधोसंरचना के लिए शत प्रतिशत सर्वे करने के लिए कहा। मंत्री ने इसके लिए एक दल गठित करने और एक माह के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। कबीरधाम जिला प्रशासन की टीम ने 6 धान खरीदी केंद्रों में दबिश देकर 3,400 से अधिक बोरा धान जब्त किया है। इनमें कुआ मालगी, कोसमंदा, बोरला और कवर्धा तहसील के रोचन, बिरकोना और गेंदपुर केंद्र शामिल हैं। इन केंद्रों में अवैध परिवहन के अलावा बिचौलियों के माध्यम से पुराने धान को बेचने का प्रयास किया जा रहा था। जांजगीर चांपा जिले में खाद्य विभाग ने बिचौलियों से 72 क्विंटल धान के साथ 3 वाहन भी जब्त किए हैं। जिले के खिसोरा, बड़े सीपत और चुरतेली धान खरीदी केंद्रों में ये कार्रवाई की गई है। जिले में अब तक खाद्य विभाग ने अवैध परिवहन के तहत करीब 1300 क्विंटल धान के साथ 27 वाहन भी जब्त किए हैं। दुर्ग जिले के धमदा विकास खंड के जनपद पंचायत कार्यालय में एनडीआरएफ की टीम के द्वारा एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें दुर्घटना की स्थिति में प्रभावित व्यक्ति को प्राथमिक उपचार देने सहित अन्य आपदा से निपटने की जानकारी दी गई। इस मौके पर पंचायत सचिव, रोजगार सहायक और करारोपण अधिकारी मौजूद थे। कबीरधाम जिले के सहसपुर लोहारा क्षेत्र में पुलिस और माओवादियों के बीच मुठभेड़ हुई है। पुलिस अधीक्षक लाल उमेंद्र सिंह ने पत्रकारों को बताया कि इस मुठभेड़ में कोई हताहत नहीं हुआ है। उन्होंने जानकारी दी कि गश्त के दौरान पुलिस की संयुक्त टीम पर पालक गांव के पास माओवादियों ने हमला किया। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में माओवादी भाग खड़े हुए। खेल मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने कहा है कि सरकार छोटी उम्र में खिलाड़ियों की पहचान करने की कोशिश कर रही है, ताकि प्रशिक्षण देकर उनकी खेल प्रतिभा को निखारा जा सके। वे नई दिल्ली में पुलिस के परिवार कल्याण सोसाइटी मिशन ओलंपिक्स स्पोर्ट्स मीट के समापन समारोह में बोल रहे थे। रेलवे विभाग में 13,400 से अधिक पदों पर भर्ती की जाएगी। इनमें कनिष्ठ अभियंता, सामग्री अधीक्षक और रासायनिक तथा धातु विज्ञान सहायकों के पद शामिल हैं। इन पदों के लिए 31 जनवरी तक आवेदन किए जा सकते हैं। इस संबंध में रेल भर्ती बोर्ड की वेबसाइट पर अधिसूचना जारी कर दी गई है। बैंकों के हजारों करोड़ रुपए के गबन के आरोपी विजय माल्या को मुंबई के धन शोधन निरोधक कानून की विशेष अदालत ने भगौड़ा आर्थिक अपराधी घोषित कर दिया है। अब माल्या की संपत्तियां जब्त की जा सकेंगी। माल्या के खिलाफ अब नए आर्थिक अपराध कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। और अब कुछ खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मणिपुर प्रवास के दौरान कई परियोजनाओं की आधारशिला रखी और अनेक योजनाओं का उद्घाटन किया। इनमें 400 किलोवाट की सिलचर इम्फाल डबल सर्किट लाइन भी शामिल है। पेश है एक रिपोर्ट। आज मणिपुर बंद और ब्लॉकेड के दौर से बाहर निकलकर आशाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने में जुटा है। विकास से युक्त, भ्रष्टाचार मुक्त नए भारत के संकल्प के लिए आपका आशीर्वाद हमेशा हमें मिलता रहे, मिलता रहा है, मिलता रहेगा। पूर्वोत्तर में जब भी प्रधानमंत्री होते हैं, लोग उनसे सीधे जुड़ ही जाते हैं, और ऐसा ही नजारा मणिपुर में भी देखने को मिला, जहां पीएम ने 1500 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं का उद्घाटन करने के साथ आधारशिला भी रखी। पीएम मोदी पिछले 4.5 साल के दौरान करीब 30 बार से भी ज्यादा नॉर्थ ईस्ट का दौरा कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि पिछले सरकारों के रवैये की वजह से दिल्ली को यहाँ के लोगों से दूर कर दिया गया था, लेकिन पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के प्रयासों के बाद से इस अहम क्षेत्र को विकास के रास्ते पर ले जाने की पहल हुई और मौजूदा सरकार उसे जारी रखे हुए है। कर्ज माफी के मुद्दे को लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने राजनांदगांव में कलेक्ट्रेट कार्यालय का घेराव किया और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। इस दौरान युवा मोर्चा के पदाधिकारियों ने राष्ट्रीयकृत बैंकों से किसानों का कर्ज माफ नहीं होने का आरोप लगाया।
उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के द्वारा 10 दिनों के भीतर किसानों का कर्ज माफ करने की बात कही गई थी, लेकिन राष्ट्रीयकृत बैंकों के पास किसानों के कर्ज माफी को लेकर अब तक कोई आदेश नहीं आया है। आबादी है, आधे किसानों की संख्या है जो राष्ट्रीयकृत बैंकों से कर्ज लेकर रखे हैं, कोऑपरेटिव बैंक और ग्रामीण बैंकों के अतिरिक्त और बाकी सारे बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, नोडल बैंक हुआ करता है हर जगह, उन बैंकों से भी लिया गया कर्ज, उन किसानों को भी राहत नहीं मिली है। इस मामले में अतिरिक्त कलेक्टर ओंकार यदु ने कहा कि युवा मोर्चा के मांग पत्र को शासन को प्रेषित कर दिया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नाम से इन्होंने एक ज्ञापन सौंपा है जिसमें किसानों की कर्ज माफी के संबंध में उन्होंने दिया है, इसमें 4-5 पेज का इनका ज्ञापन है और वहां तक पहुंचाने के लिए उनके द्वारा निवेदन किया गया। भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदर्शन को देखते हुए कलेक्ट्रेट कार्यालय परिसर में पुलिस बल तैनात किया गया था। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। स्वच्छ भारत मिशन में भिलाई नगर को मिली उल्लेखनीय सफलता, ओडीएफ प्लस प्लस श्रेणी में मिला प्रदेश में पहला और देश में दूसरा स्थान। गरियाबंद में निर्वाचन कार्य में लापरवाही बरतने के आरोप में 13 कर्मचारियों पर कार्रवाई, 4 निलंबित और 9 कर्मचारियों की वेतन वृद्धि रोकी गई। लोकसभा चुनाव में जन घोषणा पत्र के बिंदु तय करने आज रायपुर में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की हुई बैठक। और बस्तर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक विवेकानंद सिन्हा ने कहा, इस साल भी विश्वसनीय पुलिस, मजबूत पुलिस के उद्देश्य को लेकर किया जाएगा काम। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन ये समाप्त हुआ। नमस्कार।